महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद नागपुर जिला योजना समिति की राशि को कोई विभागों द्वारा खर्च किया गया था और इसे खर्च करने के लिए सरकारी आदेश जारी नहीं किए गए। चूंकि नागपुर को उपराजधानी का विशेष दर्जा प्राप्त है, इसलिए राज्य सरकार को हर साल 900 करोड़ रुपयों का फंड देना चाहिए। इसी मांग जिले के सभी भाजपा विधायकों ने बावन कुले के नेतृत्व में की है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की कार्यकाल में योजना समिति के काम और राशि को समय पर खर्च करने के लिए जून में प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब केवल 2 महीने बचे हैं। इस सरकार की जिला योजना समिति की धनराशि अभी भी अव्यक्त है। अब पैसा कब खर्च होगा यह भी संदेह है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि पैसा खर्च किया जाएगा, लेकिन इसे कैसे खर्च किया जाएगा ऐसा सवाल बावन कुले द्वारा उपस्थित किया गया। चूंकि नागपुर उपराजधानी है, इस शहर के विकास के लिए और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। पिछली सरकार ने सामान्य योजनाओं के लिए 525 करोड़ रुपए दिए थे, आदिवासी योजना के लिए 75 करोड़ और SEP के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे। जिले को कुल 800 करोड़ रुपए मिले थे। पिछले साल महाविकास आघाड़ी सरकार ने केवल 400 करोड़ रुपयों का भुगतान किया था। SP के लिए 75 करोड़ और आदिवासियों के लिए 35 करोड़ दिए गए। कुल 250 करोड़ रुपए कम फंडिंग मुहैया कराई गई। इस सरकार ने 2021-22 में भी कम फंडिंग मुहैया कराई है। इस जिले के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए, SP के लिए 200 करोड़ और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 75 करोड़, ये सभी विधायकों की मांग है। कुल 900 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए, इस पर बावन कुले ने ध्यान खींचा। आत्ताच्या मागच्या वर्षी मग त्यांनी 400 कोटी त्याच्या मागच्या वर्षी 400 कोटी दिला आणि 75 कोटी साधारणतः याच्यातनं कमी केले SCP मधले आणि TSP मधलं 32 कोटी कमी केले, जे जवळपास 250 कोटी रुपये कमी दिले। यावर्षी 19-20 म्हणजे 21-22 मध्ये 21-22 मध्ये तर 500 कोटी सर्वसाधारण मध्ये दिले, पण 75 कोटी SCP चे कमी दिले आणि 32 कोटी TSP ला कमी दिले। आमची मागणी आहे की 700 कोटी सर्वसाधारण योजना केली पाहिजे, 200 कोटी SCP ला दिले पाहिजे आणि TSP ला म्हणजे आदिवासी भागाला 75 कोटी किमान दिले पाहिजे पुढच्या काळामध्ये। ही मागणी होती। त्यांनी आता म्हटलं आहे की उपराजधानीला आम्ही लक्ष देऊ, पर आता बजेट आल्यावरच कळेल की काय लक्ष दिलं। पण आमची मागणी आहे की 700 कोटी सर्वसाधारण, 200 SCP आणि 75 कोटी किमान TSP, म्हणजे 900 कोटी रुपये किमान जिल्ह्याला भेटले पाहिजे, ही मागणी आहे। तर त्यांनी ती मागणी मान्य करावी असंच आम्ही सर्व आमदारांनी मांडलं आहे। इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक मोहन मते, विधायक विकास कुंभारे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।